अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी पसंदे। हैदराबादी पसंदे बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का पसंदे। चिकन के लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश करके रख लें। अब इसमें डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं देखते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर प्याज, तिल, खोपरा। यह है हमारी प्याज, प्याज को थोड़ा सा सोटे कर लिया है। ये है हमारी तिल, यहाँ पर लिया है खोपरा। फली, काजू बादाम और ये है हमारा 200 ग्राम दही। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच अदरक लहसुन। दो चम्मच नमक। अदरक लहसुन नमक डाल दिया है मैंने। अब डालेंगे मिर्ची 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1.5 चम्मच मिर्ची डालेंगे। अब डालते हैं हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, हल्दी पाउडर। इन सबको मैरिनेट करके 5-10 मिनट्स के लिए चिकन को साइड में रख देते हैं, जब तक मसाले ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने ग्राइंडर लिया है। इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई फली, खोपरा। इसी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर हम इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। तिल, सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल में मैरिनेट किया हुआ चिकन को ऐड करेंगे। ये जब तक के लिए हमारा पेस्ट भी रेडी हो गया है। पेस्ट को साइड में रख देंगे, इसका यूज़ लास्ट में है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल में हम चिकन ऐड करेंगे। अब ये सारा चिकन मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन के पसंदे एक डिफरेंट रेसिपी है। मोस्टली ये मटन पसंदे बनाते हैं सब लोग, लेकिन आज हम चिकन में ट्राई करेंगे। इसे कुछ डिफरेंट सी रेसिपी होगी। चलिए अब इसको सोटे करते हैं, अच्छा से थोड़ा फ्राई करेंगे। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हमारा चिकन 1/2 कुक हो चुका है। अब हम इसको साइड में हटा लेंगे। चिकन को साइड में हटा लें। बीच में जो ऑयल गर्म हुआ है, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जो फाइन पेस्ट हमने बना रखा है। ये पेस्ट हम इसमें डालेंगे। ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से भूनते हैं। मसाले कंटिन्यू हिलाते रहें, नीचे ना चिपक पाए। सबको एक साथ मिला लें, मसाले, चिकन। ये हमारा सब मिलकर एक साथ रेडी हो गया है। अब इसको हिलाते जाएं। मसालों को जब तक पकाना है हमें, जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना करें। कॉर्नर से हिलाते हुए मसालों को पकाना है। ये देखिए हमारा ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि मसाले पक चुके हैं। ये हमारे मसाले रेडी है बनके। जब मसाले भुने जाते हैं, जब इसमें दही ऐड करते हैं। चलिए अब इसमें दही ऐड कर रहे हैं। दही को भी इसमें मिक्स कर लें।
दही को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए दही भी पक रहा है, दही को भी थोड़ी देर पकाएं ऐसे मिक्स करते हुए। दही को भी पकाएं, थोड़ी देर ढक के 5 मिनट के लिए रख दें। ये देखिए हमारा दही भी पक कर रेडी है। यहाँ पर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। ये रेसिपी मैंने बनाई है अपने हस्बैंड के डिमांड पर, मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है ये, पसंद है। इसमें ऐड किए हैं चिल्ली, अब इसमें ऐड करेंगे हम कोथमीर, कटा हुआ कोथमीर, कटा हुआ पुदीना। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन पसंदे रेडी है, हो चुका है। इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे ऐसे ही। लास्ट में ऐड करेंगे नींबू। नींबू ऐड करने के बाद ख्याल रखेंगे और फ्लेम ऑफ कर दें। ये हमारा नींबू डालने के बाद चिकन पसंदे कम्प्लीटली रेडी है। ये देख सकते हैं आप, चिकन मसाले दही सब एक में मिलके रेडी हो चुका है। ट्राई करिए ये मेरी चिकन पसंदे की न्यू रेसिपी, कैसी दिखी आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।